ओके एवरीबडी इज एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माई विलेज चैनल दैट इज ए विलेज टीचर एंड नाउ स्टार्ट लर्निंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एस के त्रिपाठी। देखिए पिछले दो दिनों से हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। इसमें हमने फंडामेंटल चीजें बताई हुई हैं टालन समझने के लिए। ये तीसरा वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। इसमें इस तरह थोड़ा उठाया हुआ है कंपटीशन में अपियर होने वाले लोगों के लिए, या थोड़ा ग्रामर भी इसमें शामिल कर दी है और कंपटीशन के हिसाब से वीडियो बहुत सुटेबल है। आप लोग देखिए इसको अप्रिशिएट एडमायर करिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने डेफिनेशन आज आपको बताने का प्रयास किया। अभी तक हमने पहचान बताई हुई थी कि ताहत ये निकलता, लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की खासियत क्या है। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ए वर्ब टेंस, ऐसा काल है विच इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है टू सू दर्शाने के लिए क्या, हैबिट कस्टम प्रैक्टिस, हैबिट आदत, कस्टम रीति रिवाज या आदत, प्रैक्टिस प्रथा या आदत। आदत प्रकट होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे वो सच बोलता है, वो झूठ बोलता है, वह हर रोज आता है, उसकी आदत है सही। रिपीटेशन पुनरावृत्ति मतलब बार बार जो है किसी चीज का दोहराया जाना, जैसे शाम को मिल्क में दूध देने आता है तो रोज ही आता है, रिपीटेशन है वो वर्क में। परमानेंट एक्टिविटी एंड जनरल ट्रुथ, उसमें स्थायी गतिविधि का बोध होता है और जन सामान्य सत्य का, कॉमन ट्रुथ का, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सब परमानेंट एक्टिविटी है, ये जनरल ट्रुथ है, सर सामान्य सत्य बात है। मैं जोड़ना चाहूंगा बीच में इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, इसकी जो बेस फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, वो प्रयोग की जाती है। एंड इन केस ऑफ द सब्जेक्ट एंड इन केस द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उस दशा में अगर ये कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, देन यस और ईएस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या बेस फॉर्म में यस या ये जोड़ दिया जाता है। आगे इसके बारे में क्या खासियत है कि दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड, ये जो विचार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो उसमें परमानेंसी के हैं, रिपीटिशन के हैं, हैबिट के हैं, दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड, ये विचार व्यक्त किए जाते हैं बाय द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो एडवर्ब्स उसके फ्रीक्वेंसी पार्ट में गणना की जाती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, बारंबारता का जो बोध करवाते हैं एडवर्ब, उन शब्दों के द्वारा इनको एक्सप्रेस किया जाता है, विचारों को, हैबिट को, रिपीटेशन को, परमानेंट एक्टिविटी को, जनरल ट्रुथ को, किन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से एक्सप्रेस करते हैं, सच एज डेली, एवरीडे, रोज, और रोज शाम को यहां आती है ये, ऑलवेज, तुम हमेशा सच बोलते हो, नेवर, वह कभी झूठ नहीं बोलता, ऑफन, मेरा भाई अक्सर देर से स्कूल जाता, फ्रीक्वेंटली प्रायः, यूजुअली प्रायः, गाड़ी हमेशा प्रायः देर से ही आती है, आजकल रेलगाड़ी प्रायः देर से ही आती है, नॉर्मली जनरली सामान्य तौर पर, आमतौर पर सामान्यतया प्रायः, ऊंट प्रायः अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी वो कार से स्कूल जाती है अकेजनली, कभी कभी समय समय पर, अकेजनली द इग्निशन सिस्टम ऑफ, अकेजनली द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार गेट्स आउट ऑफ ट्यून, कभी कभी जॉर्ज की कार का इग्निशन सिस्टम खराब हो जाता है, तो मैंने ये आई एम जॉन शॉर्ट से पढ़ दिया, अकेजनली का प्रयोग जो इंटरमीडिएट में प्रोज का लिशन, आई एम जॉन शॉर्ट, तो वहां से मैंने अकेजनली का यहाँ यूज पुट अप कर दिया था। स्केयरली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इनका सबका एक ही अर्थ, मुश्किल से ही, शायद ही कभी, यह बहुत कम, स्केयरली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम का वही अर्थ है।
तो आगे हमने यूज किए हुए सेंटेंस बनाए हुए हैं, इनका यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को लिखा जाता है, लेकिन अगर ये आने के बावजूद उसमें लास्ट ईयर यानी भूतकाल को बोध करवाने के लिए, पास्ट टेंस का बोध करवाने के लिए कुछ शब्द अगर जोड़ दिए जाए, तो ये शब्द आने के बाद भी फिर वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया जाता है। लेकिन लेकिन अगर वो भूतकाल का बोध कराने वाले कोई शब्द वहां नहीं है तो फिर वो वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। जैसे जैसे ही गोस टू स्कूल डेली, वे रोज स्कूल जाता है, इसको ऐसे कर दे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो पिछले साल वह रोज स्कूल जाता था, तब तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट चला गया कि ही वेंट टू स्कूल डेली लास्ट ईयर। डेली होने के बाद भी वो पास्ट में लिखा गया, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर, यस्टरडे, आएगो, बीता हुआ, सन, कुछ ऐसा वहां भूतकाल का बोध है, तो ये एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी आते हुए वहां को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अगर वैसा नहीं है तो जनरली मोस्टली फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। अब इनका यूज हमने किया हुआ है, वाक्य सारे अंग्रेजी में, हिंदी में बोल रहा हूं मैं तो ट्रांसलेशन तो हो ही रहा है, हिंदी बोलो अंग्रेजी बोलो ट्रांसलेशन हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि वह अक्सर यहां आती है, वह अक्सर यहां देर से आती है, वो इंग्लिश में पहले लिखी हुई है, सी ऑफन कम्स हियर लेट, मैंने पहले इंग्लिश लिखी है तो मैंने हिंदी उसका बोला, सी ऑफन कम्स हियर लेट, वो अक्सर यहां देर से आती है। तो ऑफन और तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, अक्सर बहुधा प्राय ऑफन। माई मदर बेयरली स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, मेरी माता जी दिन में बहुत कम सोती है, मेरी माता जी दिन में शायद ही कभी सोती है। तो बेयरली, स्केयरसली, हार्डली स्लीप्स, जो काम बेयरली करता है वही स्केयरसली करता है, वही हार्डली करता है, वही रेयरली करता है, सेल्डम। जैसे भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते, शायद ही कभी काटते, काटते ही नहीं है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइटर से। माई मदर बेयरली स्लीप्स ड्यूरिंग द डे। अगला, द ट्रेन यूजुअली कम्स लेट, गाड़ी प्राय देर से ही आती है। सारे एडवर्ब यूजुअली, ये barely, often, ये जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध करवा रहे हैं। अगर इसमें पास्ट के विषय में कोई शब्द जोड़ दिया तो पास्ट में लिखा जाएगा, वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिखना है। My father always reaches his office in time, मेरे पिताजी हमेशा समय से अपने दफ्तर पहुंचते हैं। His son sometimes goes to school by car, उसका पुत्र कभी कभी कार से स्कूल जाता है। Barking dog seldom bite, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, यानी काटते ही नहीं। She never gets late for her school, वह अपने स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होती है। The camels are generally found in Africa, ऊंट प्राय अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो पैसी वाज, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वो पैसी वाइज है। तो एडवर्ब आपको बताया गया कि ये आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। फिर अगला नियम मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये जो वर्ब्स दी गई है ये प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग की जाती है, अगर इनका स्टेटिव यूज हो रहा है, अगर वहां सेंटेंस में स्थिरता का बोध हो रहा है वहां, तो यही वर्ब प्रयोग करते हैं। अगर प्रोग्रेसिव एक्शन यानी क्रियाशील प्रगतिशील कार्य चालू है तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाता है, वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनको प्रयोग करते हैं। रूल क्या लिखा हुआ है कि देयर आर सम ऑफ वर्ब्स, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं व्हिच समटाइम्स डू नॉट एडमिट, जो कभी कभी स्वीकार ही नहीं करती है, ऑफ द प्रोग्रेसिव एक्शन यानी प्रगतिशील कार्य, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को स्वीकार नहीं करते हैं। सच वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव और स्टेटिव वर्ब्स, ऐसी क्रियाओं को नॉन प्रोग्रेसिव अथवा स्टेटिव स्थिर क्रियाएं कहते हैं। तो कुछ क्रियाएं ऐसी जिनका कहने का मतलब उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग करना अच्छा है, वरना वो गलत हो जाता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख दो, हिंदी भले ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रही है लेकिन अंग्रेजी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। जैसे जैसे ये वाक्य है कि पेड़ पर मुझे एक चिड़िया दिखाई दे रही है, तो चिड़िया खुद नहीं दिखाई दे रही, मैं देख रहा हूं चिड़िया को, तब दिखाई देगी। अगर हम न देखें, अनजाने या जाने, तो वो दिखाई नहीं देगी। जैसे रोड पे जा रहे हैं तो वहां कुछ भी निकल जाए, अगर ध्यान और कहीं है तो हम कह देते हमने देखा नहीं, वो दिखाई नहीं देगा जब तक हम देखेंगे। ऐसे बोल दे चाकू से उसकी उंगली कट गई, तो उंगली अपने आप नहीं कट गई, वो अनजाने अनजाने उसने काटी है, चाकू दूर कहीं रखा है, उंगली कटेगी नहीं, चाकू खुद नहीं काट देगा, वो व्यक्ति काटता जाने अनजाने। तो ऐसे अंग्रेजी में कुछ सोच करके वो ग्रामर बनाया करते हैं। तो पेड़ पर मुझे एक चिड़िया दिखाई दे तो मैं देख रहा हूं, ये उसका सेंस है, लेकिन उसको कंटिन्यूअस फिर भी नहीं बनाएंगे, मैं देख रहा हूं, देखता हूं लिखेंगे। कि आई सी ए वर्ड शुद्ध है, जिसने आई एम सिंह लिखा होगा ना, तो ग्रामर में आपको पढ़ने मिलेगा, आज भी मिल रहा है। आई सी ए वर्ड सही है, ऑन द ट्री गलत, इन द ट्री प्रीपोजिशन के अनुसार, क्योंकि आसपास पत्ते डालियां हो जाती, अंदर हो जाती चिड़िया, इसलिए इन सही है, ऑन द टॉप पे नहीं बैठी चिड़िया, इसलिए
आई सी ए बर्ड सही, जैसे बगल के कमरे मुझे शोर सुनाई दे रहा है। हिंदी आप बोलते रहिए कांटी, लेकिन अंग्रेजी आप कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे आई हियरिंग, वहां बनाएंगे आई हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिटी जाना पड़ेगा। और भी इसके है जैसे वाच है, जैसे बिहोल्ड लिखा हुआ दोनों ये, और नोटिस यहाँ लिखा है आगे, नोटिस मैंने देखना है हमने कहीं लिखा हुआ था ये वाच है बिहोल्ड नोटिस, देखना की सारी है ये वर्ब। तो यह समझना है कि वा शब्द को वो टू द पपिल्स में लिखा हुआ एक्सपेंडिंग लाइक द यंग पिटल्स ऑफ फ्लावर आई वाज द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स। तो वाच मैंने देखना को उन्होंने प्रेजेंट, आई एम वाचिंग नहीं लिखा हुआ है, आई वाच लिखा है हिंदी द्वारा मैं देख रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी में आई एम वाचिंग नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही बियोल्ड द स्कॉलर कविता इंटरमीडिएट में रॉबर्ट शाउद की वो लिखा है वहां पर उन्होंने कि माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट अराउंड मी आई बिहोल्ड। कभी लाइब्रेरी में बैठा हुआ है उसके चारों तरफ किताबें लगी हैं, तो कह रहा मैं अपने चारों तरफ प्राचीन काल के विद्वानों को देख रहा हूं, लेकिन अराउंड मी आई बिहोल्ड बिहोल्डिंग में लिखा गया। तो कहने का मतलब ये सी है वाच है बिहोल्ड वगैरह है ये, और नोटिस है इनको प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। टेस्ट, टेस्ट माने स्वाद देना, टेस्ट माने स्वाद देना। तो द फ्रूट टेस्ट, द फ्रूट टेस्ट इज स्वीट, द फ्रूट आर टेस्टिंग वगैरह ये इनकरेक्ट है। जैसे फील है, फील और आगे जो हमने कुछ वाक्य नीचे बनाए हुए हैं तो ये सेंस दिया है कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख सकते हैं, कब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना चाहिए। अगर वहां प्रोग्रेसिव एक्शन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखो, अगर स्टेटिव मूड है वहां तो स्टेटिव वर्ब जो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखिएगा। जैसे यहां हमने वाक्य लिख दिया है कि द पीस ऑफ क्लॉथ फील्स सॉफ्ट, ये कपड़ा मुलायम लगता है, तो फील को वहां पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। और उसके ऊपर लिख दिया द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर रोगी की नब्ज को महसूस कर रहा है। तो ये समझाएंगे कि ऐसा भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में क्यों चला है। यहां पर जानना है कि मोस्टली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखे जाते हैं क्योंकि वह उनका स्टेटिव मूड है वर्ब में। हियर मैंने सुनना, मैंने आपको समझाया बगल के कमरे मुझे शोर सुनाई दे रहा है, अंग्रेजी इंडेफिनिट बनाएंगे कंटिन्यूअस नहीं। आई हियर नॉइज इन द एडजेसेंट रूम, रिकॉल याद करना, रिकलेक्ट याद करना, याद आना, रिमेम्बर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे लिखा जाएगा कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, मुझे दिन वो दिन याद आ रहे हैं जब तुम छोटे थे, ऐसा कुछ भी। आई रिमेम्बर दोस डेज व्हेन यू वेयर यंग, ऐसा यंग माने छोटा भी होता है। तो रिमेम्बर है रिमाइंड, द गंगा रिमाइंड नेहरू याद दिलाती है, ऐसा। मुझे चाय से ज्यादा काफी पसंद है तो आई प्रीफर काफी, सही है आई एम प्रीफरिंग काफी नहीं लिखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वर्ब लिखी जाती है। प्लीज है तो अब यहां देखिए वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो सोचने की प्रक्रिया में चलती है वर्ब्स, वो थिंकिंग मूड वाली वर्ब्स है। जैसे थिंक माने सोचना, नो माने जानना, मीन अर्थ होना, आशय होना, तात्पर्य होना, मतलब होना, किसी चीज का फॉरगेट भूल जाना, अंडरस्टैंड समझना, माइंड ध्यान देना, एतराज करना, रियलाइज समझना, कंसीडर विचार करना, सपोज मानना, रिमेम्बर याद करना। तो ये तो मैं सोच रहा हूं कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसे जाना चाहिए, लेकिन मैं वहां सोच रहा हूं आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक दैट ही शुड गो, लेट हिम गो, तो आई थिंक लिखते हैं। आप जान रहे हैं कि उसकी स्थिति बहुत खराब है, यू नो, यू आर नोविंग नहीं, यू नो इस कंडीशन इज वेरी सीरियस। मीन मतलब होना, ऐसे होना, तात्पर्य होना, अंडरस्टैंड समझना, तो मीनिंग अंडरस्टैंडिंग यूज ना प्रयोग करके, जैसे कि आई मीन मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो, व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग गलत है, आई एम मीनिंग गलत है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में को लिखना चाहिए, फॉरगेट है, माइंड आई डू नॉट माइंड, मुझे कोई त्रास नहीं है, आई रियलाइज योर डिफिकल्टी, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, कठिनाई को, तो आई एम रियलाइजिंग नहीं ठीक है, रियलाइज सही है, कंसीडर जैसे विचार करना, आई एम कंसीडरिंग नहीं ठीक है, वेल आई कंसीडर, आई कंसीडर योर प्रॉब्लम, सपोज रिमेम्बर के बारे में बोल चुका हूँ। और ये वर्ब्स ऑफ स्वामिंग पोजिशन, अधिकार दर्शाने वाली वर्ब्स, ओन खुद का होना, निजी होना, हैव रखना, होना बिलोंग संबंधित होना, पजेस रखना, रिमेन रहना, कॉन्टेंट रखना, कंप्राइज शामिल होना, कंसिस्ट बना होना, रखना, कीप रखना, ऐसा जिनमें पोजीशन प्रकट होता है। तो मैं कार रखता हूं, मेरे पास एक कार है, आई ओन